समाज में ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले तीन व्यक्तियों को एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने मंगलवार को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले में एक फल विक्रेता, एक ऑटो चालक और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल शामिल हैं। गौरतलब है कि फल विक्रेता जोगिंदर निषाद पुत्र बैजनाथ निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट को करीब 2 लाख रुपए कीमत का एक आईपैड गिरा हुआ मिला था, जिसकी सूचना जोगिंदर ने चौकी प्रभारी टीपी नगर को दी थी और पुलिस द्वारा आईपैड के मालिक का पता कर आईपैड सुपुर्द किया गया था। इसके अलावा ऑटो चालक मनोज कुमार शर्मा निवासी गोकुलपुरम थाना कैंट को एक बैग मिला था, जिसमें 20,000 रुपए कैश व शादी का सामान था, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए थी, जो किसी सवारी का था और ऑटो में छूट गया था। जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी एयरफोर्स द्वारा उस बैग के मालिक से संपर्क कर सुपुर्द किया गया। वहीं हेड कांस्टेबल सुधीर सिंह पुलिस चौकी नौसर थाना गीडा को पासवान ढाला चौकी नौसर थाना गीडा के पास गांव की तरफ वाली रोड पर एक पर्स गिरा हुआ मिला था, जिसमें जरूरी कागजात एटीएम आईडी कार्ड थे, जिसको सुधीर सिंह ने पर्स के मालिक से संपर्क कर उसे सुपुर्द किया था। तीनों व्यक्तियों की ईमानदारी की तारीफ करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने तीनों व्यक्तियों को ईमानदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और बेहतरीन कार्य करने के लिए उनको सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, आज गोरखपुर में 2 पब्लिक एवं 1 पुलिस कर्मचारी को मेरे द्वारा फूल माला पहना के सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 पब्लिक के द्वारा महंगी चीज़, एक लैपटॉप और किसी में एक ज्वेलरी से भरा हुआ बैग संबंधित थाने को, चौकी को इनके द्वारा ले आके दिया गया और थाना और चौकी के द्वारा संबंधित जो ओनर्स को वापस लौटाया गया है। ऐसे एक दीवान जी जो है अपने चौकी क्षेत्र में एक बैग और एटीएम कार्ड वगैरह पड़ा हुआ था, संबंधित जो उनका ओनर को वापस लौटाया। इस तरह से अच्छे काम ये लोग कर रहे हैं, जब कोई और देख नहीं रहा है उस वक्त ये अपनी ईमानदारी के परिचय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक फल विक्रेता या फिर एक ठेला लगाने वाला इतने ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहा है। ये एक मैसेज है पब्लिक के लिए और इनका सम्मान करना समाज के सम्मान, समाज में अपने आप एक सम्मान को बढ़ावा देने के हिसाब। जब अच्छे लोग सम्मानित होंगे तो समाज में उस तरीके के लोगों को संख्या बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने एक वो प्रयास किया है कि इस तरह से एक ईमानदारी का और एक अच्छे नेचर का, एक होनेस्टी का जो परिचय देने वाला पब्लिक को सम्मानित करना और उनको समाज में इज्जत बढ़ाना हमारे एक कर्तव्य में समझता हूँ। और एक इस वजह से समाज में ऐसा उम्मीद है, ऐसे आशा है कि ऐसे अच्छे काम और होते रहेंगे।